सो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है? और वो होता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम। ऐसा क्यों कहा जाता है फ्रेंड? क्योंकि मॉर्निंग जब हम फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो अगर हम पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमने मॉर्निंग को स्टार्ट किया होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा पूरा दिन कैसे बीतने वाला है, कैसे हम पूरे दिन को कैरी करने वाले हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपने मॉर्निंग में आप उठे और फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट किया, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया, पॉजिटिव चीज़ें आपने की, तो पूरा दिन आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, वैसे ही एक्शंस लेंगे और वैसे ही आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट फ्रेंड्स, वहीं पर अगर आपने नेगेटिविटी से स्टार्ट किया होगा आपका दिन, गॉसिप से, रूमर्स से, तो वहीं पर आपका पूरा दिन आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, वैसा ही फील करेंगे, लो फील करेंगे, तो वैसे ही एक्शंस आएंगे और वैसे रिजल्ट्स होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग पर अगर हम लोग ने विजेता पा ली, अगर हम लोग ने मॉर्निंग को कंट्रोल कर लिया, हमारे हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया, तो हमारा पूरा दिन वैसे ही बीतेगा जैसा हम चाहते हैं, हम डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, हम गोल्स एंड टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, तो वैसे ही होगा, हम लाइफ को फुल्ली जी पाएंगे। तो मॉर्निंग को अगर आपने विजेता पाली, तो पूरा दिन पर आपने विजेता पाली, विक्ट्री पाली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैबिट्स देखने वाले हैं, 5 मॉर्निंग हैबिट्स जो मोस्ट अचीवर्स, जो कामयाब हो चुके हैं ऑलरेडी, कामयाबी वाले जिंदगी ऑलरेडी जी रहे हैं, जिनके पास टाइम भी है, मनी भी है, तो वो ऐसे 5 कुछ हैबिट्स हैं जो वो अवॉइड करते हैं। 99.9% फ्रेंड्स जो अचीवर्स होते हैं, टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आप रियल इस्टेट की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, एविएशन की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, एजुकेशन लेवल की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री हो फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी कामयाब लोग हैं वो ये हैबिट्स को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे कौन से हैबिट्स हैं जो आज से हमें अवॉइड करने स्टार्ट करने हैं, ताकि हम मॉर्निंग को फुल्ली जी पाए? क्योंकि लाइफ मिली है फ्रेंड्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं फ्रेंड्स, पैसों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, राइट? तो फर्स्ट जो हैबिट फ्रेंड्स हमें यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अल्टीमेटली ये जो 5 मॉर्निंग हैबिट्स है, अगर आप और हम अगर अपना ली, तो हमारा जो दिन है फ्रेंड्स वो बर्बाद होने से बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो हमारा आता है वो आता है फ्रेंड्स कि डोंट मेक टू डू लिस्ट। फ्रेंड्स, ये जो टू डू लिस्ट है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं कि डोंट मेक टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग। यानी फ्रेंड्स, यहां पर क्या है फ्रेंड्स, हमें एक चीज ध्यान रखिए कि टू डू लिस्ट मतलब आप पूरे दिन में क्या क्या काम करने वाले हैं, सारे टास्क उन्हें आपने एडवांस में आपने नोट डाउन करें। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये टू डू लिस्ट आपको मॉर्निंग पे नहीं बनाने। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं बनाना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब हम टू डू लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हमारे माइंड में कैलेंडर, डेडलाइन, प्रेशर, वर्क, गोल्स, टारगेट्स, ये सब चीज़ें दौड़नी शुरू हो जाती हैं और वही पूरा दिन हमारा निकलता रहता है। बट हमें मॉर्निंग को कैसे स्टार्ट करना है, हमें मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड फील करना है। जी फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड फील करना है गॉड के प्रति कि गॉड ने हमें एक ऐसी जिंदगी अदा हमें जिंदगी दी जिसमें हमें सभी तरीके से हमें मीन्स एक ब्यूटीफुल जिंदगी दी, उसने हमें यहाँ पर भेजा धरती पर। तो हमारे पास आज की डेट में, आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास शेल्टर होगा, फूड होगा, क्लोथ्स होंगे, तो फील द ग्रैटिट्यूड टू गॉड दैट उसने हमें ये सारी चीज़ें दी। और साथ ही साथ ऐसे पैंडेमिक सिचुएशंस में हमें बचा कर रखा हमारे घर वालों को, तो फ्रेंड्स ग्रैटिट्यूड टू गॉड हमें करना है। उसके साथ साथ हमें फैमिली को ग्रैटिट्यूड करना है कि उन्होंने हमें बर्थ दिया और हम आज जिस भी मुकाम पर हैं उन्हीं की बदौलत है, तो उन्हें थैंकफुलनेस कहना है। उसके साथ साथ टू डू लिस्ट की जगह पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी पूरी फैमिली के साथ उसमें टाइम स्पेंड करना है मॉर्निंग में। चाहे बच्चों के साथ हो तो बच्चों के साथ थोड़ा सा गप करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सेम अगर आपके पेरेंट्स हैं, मॉम डैड, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सेम अगर आपकी वाइफ है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, छेड़ें और भी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मेमोरीज ही आपको लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी फ्रेंड्स, और ये मेमोरीज पूरे दिन आपको फ्रेश फील रखेंगी, हैप्पी मूड रहेगा आपका। तो हैप्पी मूड रहेगा तो अगेन इनिशियली जो हमने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जैसा आप सोचेंगे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में वैसे ही आप पूरे दिन फील करेंगे, वैसे ही एक्शंस लेंगे, पॉजिटिव और रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स अब मेन ये चीज़ आती है, मेन मुद्दा कि अगर हम टू डू लिस्ट सुबह ना बनाएं तो कब बनाएं?
तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जब आप मॉर्निंग में सारा काम कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट हो गया, सारी चीजें होंगे, जब आप घर जाने मतलब घर से बाहर कदम रखें ऑफिस के लिए, तब आपको काम के बारे में सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना। और टू डू लिस्ट आपको प्रीवियस नाइट को बना लेना है, प्रीवियस नाइट इन द सेंस कि आज सुबह को हम नहीं बनाएंगे, अगले दिन मींस कल रात को मेरी टू डू लिस्ट बन चुकी होनी चाहिए, जिसमें आज के पूरे दिन में क्या क्या गड़बड़ हुई, क्या क्या शॉर्टफॉल्स आए, तो वो हमारा एनालाइज भी हो जाएगा, ऑडिट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें नेक्स्ट डे कौन कौन से टास्क करने हैं, कितने बजे मैं कौन सी मीटिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे होऊंगा, क्या चीज़ कर रहा होऊंगा, इतने बजे मुझे स्कूल जाना है, बच्चों को पिक करना है, ये सारा चीज़ है फ्रेंड्स। आपकी टू डू लिस्ट रात में प्रिपेयर हो जानी चाहिए ताकि नेक्स्ट डे आप पूरी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाएं, एंड यहीं पर फ्रेंड्स आप लाइफ को एक्चुअली आनंद ले पाएंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं मॉर्निंग में, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बात ले रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में आनंद लिए फ्रेंड्स, लाइफ को जिए फ्रेंड्स, एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो मील को एंजॉय करें। तो ये था फ्रेंड्स, तो हमें टू डू लिस्ट को स्किप करना है और वो हमें रात में ही बना लेना है एक दिन पहले एडवांस। सेकेंड आता है जो हमें हैबिट को अवॉइड करना है फ्रेंड्स, और वो आता है फ्रेंड्स डोंट मीट नेगेटिव पर्सन इन मॉर्निंग। यानी फ्रेंड्स क्या कहता है ये पॉइंट कि जो नेगेटिव पर्सन से अगर हम मिलने वाले होते हैं मॉर्निंग में, तो उससे हमें स्किप करना है, अवॉइड करना है। एग्जांपल फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, एंड अगर आप पार्क पे किसी एक ऐसे इंसान से आप इंटरेक्ट करते हैं जो पूरी सिटी का जो गॉसिप्स हैं, बैड न्यूज है, वो शेयर कर रहा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको तुरंत वहां से कंटिन्यू हो जाना है, तुरंत वहां से भाग लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे फ्रेंड्स, नेगेटिविटी सुनेंगे भी, तो अगेन आप पूरा दिन फिर नेगेटिविटी आपके माइंड में चलती रहेगी, थॉट्स आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हमें अवॉइड करना है, चाहे वो कहीं भी हो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक पे हो, आपके घर में हो, कहीं पे भी कोई नेगेटिव इंसान है फ्रेंड्स, तो उनसे ब्लेसिंग्स ले लिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उनसे ब्लेसिंग्स ले लिए और वापस अपने रूम पे आ जाएं और अपने काम की दिनचर्या में लग जाएं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल जैसे एक बाल्टी है जो आप देख पा रहे होंगे, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर है बाल्टी में। अब अगर इसमें अगर मैं होली का छोटा सा रंग भी अगर मैं डाल दूंगा, तो क्या होगा, पूरा पानी खराब हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा एक छोटी सी रंगीन रंग के कारण। तो वैसे ही सेम फ्रेंड्स, नेगेटिव पर्सन आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यदि अगर आप अपने दिन को बचाना चाहते हैं तो अपनी सुबह को बचाओ, यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन बचे तो आप अपनी सुबह को बचाओ, और सुबह को कैसे बचाओगे फ्रेंड्स, ये सारी हैबिट्स को अवॉइड करके। नेक्स्ट, डोंट Don't start your day. ये फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट होने वाली है फ्रेंड्स, जो हो सकता है आज तक आप और हम करते आए हैं, लेकिन अब हमें फ्रेंड्स इस हैबिट को अवॉइड करना है। डोंट स्टार्ट योर डे विद बेड कॉफी और टी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ये बताया गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सुबह उठते ही हमें टी या कॉफ़ी नहीं पीनी, उसे थोड़े टाइम बाद पीनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न क्या कहता है फ्रेंड्स कि जब हम सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल होता है, एक कॉर्टिसोल होता है जो रिलीज़ होता है सुबह सुबह, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन्स। अब ये स्ट्रेस हॉर्मोन से हमारी बॉडी क्या होती है, उस पर फ़ायदा होता है स्ट्रेस हॉर्मोन से, कि हमारे एनर्जी बनना शुरू होती है, हमारा मूड उसी पर बनता है, और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लानिंग है, वो कंट्रोल होती हैं स्ट्रेस हॉर्मोन से। तो कॉर्टिसोल बनते हैं, रिलीज होते हैं सुबह सुबह, तो उसे होने दें रिलीज़। बट अगर आपने टी और कॉफ़ी अगर आपने बेड पे पी ली अर्ली मॉर्निंग उठकर, तो जो स्ट्रेस हॉर्मोन होंगे ना, उनका जो बेनिफिट्स होगा वो दब जाएगा। अब जब दब जाएगा तो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए एक थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं बेड एंड कॉफ़ी। ये रिसर्च भी कहता है फ्रेंड्स, मैं आपको अटैच आप देख पा रहे होंगे, गूगल भी ये चीज़ कहता है। तो यहाँ पर हमें डिले कर देना है सुबह सुबह। आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जब भी आप उठें तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, और 8:30 तक आप इसे स्किप कर दिए,
आफ्टर 8:30 आप टी या कॉफी लिए और अपने स्ट्रेस हॉर्मोन्स को, अपनी कॉर्टिसोल को बढ़ने दें ताकि एनर्जी बने, आपका मूड बने हैप्पी। नेक्स्ट, ये तीन हमने हैबिट्स देखी जो हमें अवॉइड करनी है। फोर्थ आता है आपका, फोर्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं, नेवर थिंक अबाउट प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग। यानी फ्रेंड्स क्या कहता है कि मॉर्निंग में हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, जब हम और आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंसर्न पर्सन होगा, जो उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, या कोई इवेंट होगा, या कोई सर्कमस्टांसेस होंगे, तो वो विचार हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। जब वो हमारे माइंड में आएंगे तब हम मीन्स हमारा जो मेंटली हम स्ट्रेस फील करेंगे, हम अनहैप्पी फील करेंगे, हम पास्ट में चले जाएंगे, और पास्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स हम अनहैप्पी फील करेंगे, उसके साथ साथ डिस्करेजमेंट होगा हमें, और हम हो सकता है हम अपने आप को ही ब्लेम करें कि आई एम ओनली द प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट पर्सन या फ्यूचर पर्सन ना रहकर हम पास्ट पर्सन बन गए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में सोचा। और धीरे धीरे फ्रेंड्स, पहले तो आप मेंटली आप मीन्स पास्ट में जा रहे थे, अब धीरे धीरे फिजिकल आपकी बॉडी भी पास्ट में चली जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी आप स्टार्ट करें अपनी मॉर्निंग को तो फ्रेश एनर्जेटिक होकर स्टार्ट करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, हमें सॉल्यूशंस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है मॉर्निंग के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, ये फिफ्थ पॉइंट जो है फ्रेंड्स, ये वीडियो का क्लाइमेक्स है फ्रेंड्स। जैसा कहते हैं ना फ्रेंड्स कि मूवी का जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पर हीरो की एंट्री होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि फिफ्थ पॉइंट, हो सकता है आज तक आपने और हमने बहुत बार करा होगा, लेकिन हमें इस आदत को अब अवॉइड करना है। और ये आदत क्या कहता है कि नेवर यूज सोशल मीडिया इन द मॉर्निंग। यानी फ्रेंड्स क्या कहता है कि अगर हम मॉर्निंग में सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का अगर यूज कर रहे थे सुबह उठते ही, तो इन्हें आग लगा दो। क्या मैंने बोला, आग लगा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अल्टीमेटली ये क्या करेगा, हम जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें फोकस अपने ऊपर ले जाना चाहिए कि हम सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाएं, सेल्फ इम्प्रूव कर पाएं, अपनी लर्निंग पर ध्यान दे पाएं, जो भी हम स्किल सीखना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लर्न कर पाएं, सीख पाएं। तो सेल्फ डेवलपमेंट की जगह पे हमारा फोकस कहाँ चला जाता है, सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया हमारा फोकस कहाँ ले जाती है, वो ले जाती है गॉसिप्स की तरफ, फैमिली गॉसिप्स, फ्रेंड गॉसिप्स, न्यूज़ की तरफ ले जाती है, रूमर्स की तरफ ले जाती है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, अनवांटेड स्टफ जब हमें फोकस ले जा रही है तो वो हमारा क्या कर रही है, एनर्जी को ड्रेन कर रही है, यानी हमारी एनर्जी ले जा रही है। इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा फ्रेंड्स कि आप सुबह उठे, आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, मीन्स बेड पर लेटे लेटे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं आराम से लेटे लेटे, उससे बैक पेन भी हो सकता है, नर्व्स भी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ 20-25 मिनट आपने दिए, अब ये 20-25 मिनट फ्रेंड्स, एक 20-25 मिनट को एक घंटे में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट ऐसे ऐसे चलता रहेगा, टाइम निकल जाएगा। एक डेढ़ घंटा आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, यानी आपकी यहीं पर एनर्जी ख़त्म हो गई। अब फ्रेंड्स पूरा दिन अभी तो बचा है, तो पूरा दिन अब यहीं पर एनर्जी खत्म हो गई तो पूरा दिन फिर हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो ये फ्रेंड्स थे 5 हैबिट्स, इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग दैट मैं नहीं कहता फ्रेंड्स कि इन 5 हैबिट्स को आज से आप सभी हैबिट्स को अपनाना शुरू करें, अवॉइड करें, नो। अगर आज से आप एक भी हैबिट आपने स्किप कर दी तो यू विल बी डूइंग वंडर्स इन योर नेक्स्ट कमिंग दिस 2022। फर्स्ट आता है डोंट मेक टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग। टू डू लिस्ट को हमें पहले ही बना लेना है प्रीवियस नाइट में, क्योंकि नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लाइफ को लिटरली में जिएंगे, फैमिली के साथ, अपने आप के साथ, गॉड के साथ ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, नेचर के साथ, क्योंकि उसने ऐसा ब्यूटीफुल नेचर बनाया। नेक्स्ट, डोंट मीट नेगेटिव पर्सन इन मॉर्निंग। इट्स जस्ट लाइक एक मीन्स एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसमें अगर एक रंग डाल दें तो पूरा बॉटल खराब हो जाएगा पानी। तो यही सेम चीज़,
नेगेटिव पर्सन अगर आपके पास नहीं, आसपास आपको दिख रहा है, तो वहां से तुरंत निकल जाए, अदरवाइज तो पूरा दिन आपका मीन्स बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अगर दिन को बचाना है तो सुबह को बचाओ, और सुबह अगर आप नेगेटिव पर्सन से नहीं मिलोगे तो आप पूरा दिन पॉजिटिव फील करोगे, और पॉजिटिव फील करेंगे तो डेफिनेटली एक्शंस आएंगे पॉजिटिव, रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, डोंट स्टार्ट योर डे विद बैड टी और कॉफी। ये साइंटिफिक रीजन हमने जाना कि हमें कॉर्टिसोल को बढ़ाने देना है, जो सुबह रिलीज हो रहे हैं उन्हें बढ़ने दे, ताकि एनर्जी हमारी बनी रहे, हमारा जो मूड है हैप्पी मूड बना रहे, और उसे हम डिले कर सकते हैं 8:30 के बाद। उससे पहले आप कुछ सॉलिड चीजें खा लें, फ्रूट्स। नेक्स्ट, नेवर थिंक अबाउट द प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग। हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, अदरवाइज तो क्या होगा, हम पास्ट में चले जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे वापस, और अनहैप्पी अगर हम हो गए तो पूरा दिन हमारा फिर वैसे ही निकलेगा। नेक्स्ट, नेवर यूज सोशल मीडिया इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में इसे स्किप करते हैं सोशल मीडिया को, अदरवाइज तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी वो ड्रेन कर देगा, एनर्जी ड्रेन हो गई तो पूरा दिन फिर हमारा जो काम हमें करने हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल काम, जिससे हमें मनी भी आएगा, हमें टाइम भी मिल सकता है, तो वो हमारा चला जाएगा। तो ये होप्स ऑफ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे 5 पॉइंट्स, जिसे ज़्यादातर अचीवर्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है वो अवॉइड करते हैं। तो आप बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट करके, कि आपको इन पाँचों में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसे आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और आप उस पॉइंट पर आप आज ही से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो डू कमेंट एंड मेंशन योर फीडबैक। ऑल्सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो करना क्या है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि इसी तरीके की आपको लाइफफुल वीडियोस, वैल्यूएबल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, जिससे आप अपनी लाइफ में बेहतर होते रहें डे बाय डे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।